दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आपका साथ में। मेरा नाम रोहित हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे लाइक रेगुलर नहीं था। ये मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था जिसके कारण मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे। बट दोस्तों अब मैं रेगुलर हूँ यूट्यूब पे, और आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे आज, लाइक बेस्ड ऑन दी टेक्निकल इंडिकेटर्स। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 30 मई है और निफ्टी 9600 के आसपास करीबन ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट मैं शेर खान अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो मैं शेर खान से आप लोगों को दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी करीबन 9550 से 9600 के बीच ट्रेड कर रहा है, और चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइक निफ्टी अभी सबसे हाई है, लाइक निफ्टी अभी जो रेंज पे ट्रेड कर रहा है वो सबसे हाई है, और एक तरह से निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था? निफ्टी का ब्रेकआउट लगभग आपको यहाँ पे 9120 या 9190 के आसपास निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ था। तो निफ्टी ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर गया और अभी निफ्टी करीबन 9550 से 9600 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि अभी निफ्टी यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, और निफ्टी अगर ऊपर नहीं जा सकता तो कितना नीचे जा सकता है। तो ये सारे सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में देना चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा एनालिसिस हो वो एक सॉलिड एनालिसिस हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टूल ऐड करना चाहूँगा, एक टेक्निकल इंडिकेटर ऐड करना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं MACD। तो MACD क्या बताता है आपको? एक तरीके से ट्रेंड बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइनें हैं, मैं दोनों लाइन को कलर चेंज करता हूँ जिसके कारण आप लोगों को इजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। तो रेड लाइन नीचे आता है तो निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। और अगर ब्लू लाइन नीचे जाता है और रेड लाइन ऊपर आता है तो निफ्टी का ट्रेंड फिर से चेंज हो जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी मैं वीकली चार्ट पे हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म का ट्रेंड गेस करना चाहते हैं और एक सॉलिड ट्रेंड गेस करना चाहते हैं, खास करके अगर आप एक इन्वेस्टर है, तो आपको वीकली चार्ट देखना चाहिए। वीकली चार्ट देखने से क्या होता है, फॉल्स सिग्नल बहुत कम मिलते हैं और आप लोगों को मार्केट के बारे में कुछ आइडिया मिल जाता है कि यहाँ मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे देखिएगा, ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन देता हूँ, यहाँ पे 27 जनवरी से इंटरसेक्शन हुआ। इंटरसेक्शन मतलब कि रेड लाइन ऊपर गया और ब्लू लाइन नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज हुआ और अप ट्रेंड आ गया निफ्टी के लिए। और ये 27 जनवरी से जो आया ये अभी तक है, 30 मई तक है। तो लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने तक ऐसा ट्रेंड था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बन चुका है 30 मई को। 30 मई को इंटरसेक्शन बनने का मतलब क्या है कि यहाँ से फिर से मतलब ट्रेंड जो है फिर से चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि कल परसों या फिर एक हफ्ते के बाद ये गिर जाएगा। मे बी इसको गिरने में 5 महीने लगे, मे बी 3 महीने लगे, मे बी 4 महीने लगे, बट ये पक्का है कि अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी का। अब अगर चढ़ने में 5 महीने लग सकता है तो गिरने में भी दोस्तों थोड़ा सा टाइम तो दीजिए उसको, तभी तो गिरेगा ना। तो कुछ देर वेट कीजिए, अभी न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिए एज पर दी MACD। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आप ट्रेड मत कीजिए। लाइक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप, तो कुछ टाइम के लिए, लाइक 2-3 महीने के लिए रुक जाइए और देखिए फिर निफ्टी कहाँ पे आता है। निफ्टी कहाँ पे आएगा ये भी मैं आपको बता सकता हूँ आज इस वीडियो में, लाइक कहाँ तक निफ्टी गिर सकता है। तो MACD के हिसाब से अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो आइए दूसरा हम इंडिकेटर जाते हैं। इंडिकेटर के लिए हम स्टडी में जाएंगे, एड स्टडी करेंगे, और यहाँ पर हम अब MACD हिस्टोग्राम डाल देंगे। तो MACD हिस्टोग्राम आपको कुछ नहीं है, लाइक एक तरह से आपको बार्स से ट्रेंड दिखाता है। लाइक अगर ये बार्स नीचे बन रहा है
और अगर बार्स छोटे से बढ़ते हुए क्रम में बन रहा है तो ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है, और अगर फिर बड़े से छोटे क्रम में जा रहा है तो ट्रेंड कमज़ोर होता जा रहा है। तो अगर ऊपर बन रहा है तो अप ट्रेंड है, नीचे बन रहा है तो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे देखिए सेम MACD पे भी दिखा रहा है, जैसा कि हम MACD पे देखे थे उस तरह से हिस्टोग्राम पे भी ऐसा ही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए बार्स बहुत छोटा हो चुका है और यहाँ पे इंटरसेक्शन बन चुका है। अब वेट कीजिए, ये बार नीचे बनने दीजिए, इस तरीके से बनने दीजिए, नीचे बनते 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 बड़ा हो जाए, इसके बाद फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, तो समझिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइक MACD हिस्टोग्राम ट्रेंड दिखा रहा है कि रिवर्स हो चुका है, बट अभी कन्फर्मेशन नहीं दिया है। कन्फर्मेशन कब देगा? जब जो आपका बार्स है ये वाइट डैश लाइन है, इसके नीचे जब बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइक इस तरीके से। बट MACD पे अभी दिखा दिया है कि हाँ निफ्टी अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और ट्रेडर्स अलर्ट हो जाए। दूसरा मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करूँगा, RSI। RSI बताता है कि ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। तो RSI जैसा कि आप देख सकते हैं, RSI देख सकते हैं आप 75 है, जो कि ओवर वैल्यूड है, लाइक ओवरबॉट है। और आप यहाँ पे देखिए लाइक निफ्टी जब भी यहाँ पे टच किया है एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। यहाँ पे देखिए आप RSI 73 टच किया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ऊपर गया 70 टच किया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर से ऊपर गया 70 के अबव थोड़ा सा भी है। अब हम लोग यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि अब यहाँ से थोड़ा करेक्शन तो मार्केट देगा ही देगा, ठीक है। तो देखिए लाइक अब यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अब रिवर्स होने का चांसेस तो है, ठीक है, बट कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लाइक कितना मार्केट करेक्शन तक हम लोग वेट कर सकते हैं ताकि हम लोग फिर से एक लॉन्ग ट्रेंड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। क्योंकि अभी सपोज़ कीजिए 9500 या 600 पे निफ्टी है, तो अगर 200-300 भी गिरता है तो ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा वो मेरे हिसाब से। अगर गिर रहा है 800-900 तब जाके हम मानेंगे कि यहाँ करेक्शन अच्छा हुआ। तो मेरा यहाँ से अजम्पशन है कि निफ्टी कम से कम 700-800 पॉइंट गिरेगा। ये 2-3 दिन में नहीं होगा, लाइक आपको 2-3 महीने में भी 3-4 महीने भी लग सकता है। तो कितना गिरेगा वो हम अभी देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लाइन करके है, यहाँ पे एक टूल जिसको हम यूज़ करेंगे। रिट्रेसमेंट लाइन क्या बताता है कि अगर कोई भी शेयर बढ़ गया है तो कितना गिर सकता है, और अगर कोई भी शेयर गिर गया है तो कितना बढ़ सकता है। तो रिट्रेसमेंट लाइन यूज़ करने के लिए क्या करना है कि आपको जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहाँ पे माउस को क्लिक करना है, और जहाँ पे हाईएस्ट बना है वहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल से लाइक अगर करेक्शन होता है तो 50-61% के बीच में करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए लास्ट टाइम जब करेक्शन हुआ था तो 50% पे आकर यहाँ पे बाउंस बैक किया था, यानी कि निफ्टी कहाँ से बाउंस बैक किया था, आपको कहाँ से कहाँ तक बढ़ा था, निफ्टी लगभग 6900 से 9000 तक गया करीबन, वहाँ से 9000 से 7900 पे आया, यानी कि 1000 पॉइंट का डाउन, जो कि ट्रेंड चेंज होने में हुआ। तो ये तो लास्ट ट्रेंड का था। तो मैंने जैसा कि बताया लास्ट बार ऐसा हुआ था लाइक 50% to 61% के बीच में आना ही है, मे बी वो 38% से भी वापस लौट सकता है, लेकिन वेट कीजिए। अगर 38% पे आके अगर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है इस 38% पे, तो आपको वेट करना है, लाइक मे बी वहाँ से भी वो ब्रेकआउट कर सकता है, मीन्स वहाँ से भी ट्रेंड चेंज करके ऊपर जा सकता है, या फिर वहाँ से फर्दर ब्रेक करके 50% या 61% के बीच में आ सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 38% को ब्रेक करके 50% जा रहा है, तो 50% पे भी आपको इसी तरह वेट करना है और देखना है कि वहाँ से फिर रिबाउंड कर रहा है कि वहाँ को उस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है। अगर 50% ब्रेक करता है तो 61 पे आएगा। तो अभी मैं करंट सिनेरियो में देख लेता हूँ कि क्या स्कोप है। वैसे तो अभी हम लोगों को अपना हाई मिला नहीं है, लाइक रोज न्यू पे न्यू हाई बनाया जा रहा है निफ्टी। लेकिन चलिए सपोज करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये मेरा हाई है, ठीक है, और ये मेरा लो है, लाइक यहाँ से मेरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक 9640 अप्रॉक्स है, तो 39, बट मैं 40 यूज़ करूँगा यहाँ पे।
9640 पे हाई बनाया। तो अगर हम 50% भी रिट्रेसमेंट देखते हैं या 61% भी देखते हैं या 38% भी देखते हैं तो 8,500 तो दो लेवल दिख रहा है, यानी कि 8,750 तक निफ्टी करेक्ट हो सकता है। तो 800-900 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हो गया, लेकिन आपको अभी वेट करना है क्योंकि अभी हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि निफ्टी यहाँ से फर्दर ब्रेक डाउन होगा या फिर अप भी जाएगा, क्योंकि अभी निफ्टी लोअर नहीं दिया है। लाइक अभी यहाँ पे देखिए हायर 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 बनाया जा रहा है। लाइक अभी हमको एक कैंडल चाहिए इस टाइप से, लाइक इससे लोएस्ट कैंडल बनना चाहिए। लाइक 9639 है ना, 9639, तो एक कैंडल बनना चाहिए जो कि इस टाइप का हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद लोअर कैंडल बना, तो इस टाइप का कैंडल चाहिए, लोअर रेंज कैंडल। वहाँ पे हम अपना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट रखेंगे और वहाँ से हम देखेंगे निफ्टी कितना नीचे आ सकता है। MACD और RSI और MACD हिस्टोग्राम पे तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल बन चुका है, और यहाँ पे हमको एक रिवर्सल कैंडल चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर डोजी बन जाता है, ठीक है, या फिर स्पिनिंग टॉप बन जाता है तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन होगा। तो मेरा इन शॉर्ट में ओपिनियन यही है कि निफ्टी यहाँ से करेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। MACD या MACD हिस्टोग्राम या RSI पे आप नज़र रखें और सेफ ट्रेडिंग करें। जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच समझ के करें और निफ्टी को थोड़ा करेक्ट होने का मौका दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने निफ्टी पे एनालिसिस किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइक इस तरह से एनालिसिस करूँ आपको लाइव, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे सेक्टर्स से, लाइक जैसे फार्मा हो गया, IT हो गया, इससे कोई अच्छा शेयर्स, टॉप 5 शेयर्स जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 2 इस तरह से कोई भी शेयर्स को शॉर्टलिस्ट करके, फ़िल्टर करके आप लोगों के सामने रखूं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे फंडामेंटल शेयर को चूज़ करूं और उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं बट कल अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो जब मेरा न्यू अपडेट आएगा आप उसको मिस आउट कर दें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।